कोरोना के कहर के चलते इंग्लैंड ने भारत को उस रेड लिस्ट में डाल दिया है जिसके तहत गैर इंग्लिश और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वहां की सरकार ने यह भी तय किया है कि दूसरे देशों से लौटे इंग्लिश लोगों को होटल में 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कहते हैं कि ब्रिटेन में कोरोना के ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जैसे कि भारत में कोरोना पीड़ितों में देखने को मिले हैं। ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से ज्यादातर विदेश यात्रा से लौटे थे। उधर इस मामले में पाकिस्तान सरकार ने भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भारत से पाकिस्तान की यात्रा करने पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोरोना के कहर के चलते इंग्लैंड ने भारत को उस रेड लिस्ट में डाल दिया है जिसके तहत गैर इंग्लिश और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वहां की सरकार ने यह भी तय किया है कि दूसरे देशों से लौटे इंग्लिश लोगों को होटल में 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कहते हैं कि ब्रिटेन में कोरोना के ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जैसे कि भारत में कोरोना पीड़ितों में देखने को मिले हैं। ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से ज्यादातर विदेश यात्रा से लौटे थे। उधर इस मामले में पाकिस्तान सरकार ने भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भारत से पाकिस्तान की यात्रा करने पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोरोना के कहर के चलते इंग्लैंड ने भारत को उस रेड लिस्ट में डाल दिया है जिसके तहत गैर इंग्लिश और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वहां की सरकार ने यह भी तय किया है कि दूसरे देशों से लौटे इंग्लिश लोगों को होटल में 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कहते हैं कि ब्रिटेन में कोरोना के ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जैसे कि भारत में कोरोना पीड़ितों में देखने को मिले हैं। ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से ज्यादातर विदेश यात्रा से लौटे थे। उधर इस मामले में पाकिस्तान सरकार ने भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भारत से पाकिस्तान की यात्रा करने पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोरोना के कहर के चलते इंग्लैंड ने भारत को उस रेड लिस्ट में डाल दिया है जिसके तहत गैर इंग्लिश और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा वहां की सरकार ने यह भी तय किया है कि दूसरे देशों से लौटे इंग्लिश लोगों को होटल में 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कहते हैं कि ब्रिटेन में कोरोना के ऐसे 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जैसे कि भारत में कोरोना पीड़ितों में देखने को मिले हैं। ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से ज्यादातर विदेश यात्रा से लौटे थे। उधर इस मामले में पाकिस्तान सरकार ने भी महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए भारत से पाकिस्तान की यात्रा करने पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोरोना के कहर के चलते इंग्लैंड ने भारत को उस रेड लिस्ट में डाल दिया है जिसके तहत गैर इंग्लिश और आयरिश नागरिकों के भारत से ब्रिटेन जाने पर पाबंदी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज़।